हेलो दोस्तों, आप लोग का एच डी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम का जो हुआ था, क्योंकि बहुत ही बहुत प्रॉब्लम से आप लोग का रिजल्ट आया, बहुत ही वेट करने के बाद तब जाके आप लोग का रिजल्ट आया टेंथ और ट्वेल्थ का, तो उसके लिए आप लोग को सब लोग पास हो गए। इसके लिए मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अच्छी तरीके से नंबर पाए, 100% आप लोग नंबर पाए। जो कोशिश नहीं किए तो वो सब भी पास हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को फिर से वापस बोलना चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ आप लोग को आगे क्या करना है, क्योंकि आप लोग का टेंथ और ट्वेल्थ हो जाता तो आगे क्या किया जाए वो नहीं समझ आता। तो सबसे पहले टेंथ के लिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग को कोई दोस्त है या फ्रेंड से किसी से आप लोग ये सोचते हो कि वो साइंस ले रहा है, टेंथ के बाद साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, उसका देखिए देखा मैं भी ले लूं, इससे आप लोग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर उसको मैथ और साइंस अच्छा है तो वो साइंस ले सकता है, बट आप लोग उसे नहीं आता वो चीज और आप लोग अपने दोस्त का देख के ले लोगे तो बाद में फ्यूचर में आप लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप लोग को, अगर साइंस और मैथ नहीं अच्छा लगता तो जो सब्जेक्ट आप लोग अच्छा लगता है उसे समझ के आप लोग को लेना रहेगा। तो जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, अगर आप लोग को जो अच्छा लगता है वो लेना, किसी के चढ़ाने से या पेरेंट्स को बोलने से। अभी पेरेंट्स बोल देंगे मेरा बेटा साइंस लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करना है फ्यूचर में वो डिसाइड करके आप लोग को लेना है, क्योंकि और जन से एडवाइस ले लो कि सर आगे चल के मुझे ये चीज बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं साइंस लू कॉमर्स लू, ये सब आप लोग को देखने के बाद ही आप लोग को तीन होता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो उसमें चुनना है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग साइंस अगर अच्छा लगता है, जो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस या मैथ या कोई भी अदर सब्जेक्ट, तो उसी के हिसाब से लेना। वकील बनना है या कोई वकालत करना है तो आप लोग आर्ट्स ले सकते हो, साइंस में अगर टीचर या कोई आप लोग डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है तो अलग साइंस ले सकते हो, या बैंकिंग का आप लोग करना है तो बैंक में कहीं भी अकाउंटिंग का करना है तो आप लोग कॉमर्स ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को मैं बताएं, और जो आप लोग को अगर इस पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे 100% इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियो हर स्टेट का, ऑल स्टेट का मैं बोलता हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो एजुकेशनल से रिलेटेड तो वो मैं एचडी टेक चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, जिससे सबको कंफ्यूजन रहता है क्या लू, साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू, वो क्लियर हो जाए। तो आप आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।